हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीनियस माइंड। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज योर प्रैक्टिस सेट 2.2 का, जो हम लोग ने फैक्टराइजेशन स्टार्ट किया था उसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 तक की सारी वीडियोस अपलोडेड हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखी है तो मेक श्योर कि आप चैनल पर जाके उसे जरूर से जरूर देख रहे हैं, और तभी आप आकर इस ये वीडियो के साथ कंटिन्यू कर रहे। क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ पर एक पार्ट लिखा हुआ था, दैट इज योर स्टेप्स फॉर फैक्टराइजेशन, वो इसमें मिसिंग है, वो पहले वाले वीडियोज में ही है, एक या दो वीडियोज में मैंने एडअप किया, तो से आप उसे लिख लीजिए, प्रैक्टिस करिए, फिर ये सारे सम्स को आप चेकआउट करिए। देखिए, जब भी आप ऐसे फैक्टराइजेशन के स्टेप्स सम्स देखते हो तो सबसे पहले वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू उसको थ्रू आउट मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहां पर डिनोमिनेटर में कौन है? x। तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? मल्टीप्लाइंग बाय x थ्रू आउट। मैं क्या करूंगा? x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट नंबर क्या है? दैट इज माई 6x। तो मैंने 6x लिखा, फिर ये हो जाएगा मेरा माइनस 2 अपॉन x हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ? सारे नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है? मुझे x से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई बाय x, मल्टीप्लाई बाय x, मल्टीप्लाई बाय x। अब जब आप इसे सॉल्व आउट करेंगे फर्दर तो 6x into x क्या हो जाएगा? 6x square, यहां से xx कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 2, और ये हो जाएगा मेरा 1x। ये प्लस 1x इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस 1x। तो 6x square माइनस 1x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये जो मेरा क्वेश्चन आया है इसका मैं क्या करने वाला हूँ? फैक्टराइजेशन करने वाला हूँ। फैक्टराइजेशन के लिए फर्स्ट स्टेप मेरा क्या था? फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करो, दूसरे फर्स्ट नंबर क्या है 6 और लास्ट नंबर क्या है 12। तो ये मेरा वैल्यू हो गया 6 into 2, विच इज इक्वल टू योर माइनस 12। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 का साइन क्या है? माइनस में। अब ये माइनस 12 को मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ, 4 3 लिख सकता हूँ, 6 2 लिख सकता हूँ, और लिख सकता हूँ 12 1 12। बट मुझे यहाँ पर सेंटर वैल्यू क्या चाहिए? 1 चाहिए। 1 मुझे कौन देगा तीनों में से? 4 और 3 देगा, तो मेरा जो फैक्टर रहेगा दैट विल बी 4 and 3। अब ये 6x square को मैं ऐसे ही लिखूंगा, 1 की जगह मैं क्या लिखने वाला हूँ? 4 और 3 लिखूंगा। ये दोनों को वैल्यू को नहीं लिखूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर 1, 6 प्लस 2 मुझे 1 नहीं मिलने वाला, 6 माइनस 2 मुझे 1 नहीं मिलेगा, 12 प्लस 1 मुझे 1 नहीं मिलने वाला, 12 माइनस 1 भी मुझे 1 नहीं मिलेगा। बट जब मैं 4 माइनस 3 करता हूँ तो मुझे 1 का वैल्यू, मतलब सेंटर वैल्यू मुझे 1 मिलेगा। तो यहाँ पर इसकी जगह में जो मेरा नंबर आएगा वो रहेगा 4x और रहेगा 3x, और एट द एंड में मेरा वैल्यू कितना? माइनस 2। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब मुझे यहाँ पर और एक चीज एडअप करनी, दैट इज द साइन। अच्छा, ये माइनस है, इन दोनों में बड़ा नंबर कौन है? 4x है, तो यहां का साइन मेरा क्या रहेगा? माइनस। अच्छा, मैंने क्या बोला था? जब भी आपको क्या करना रहेगा? ऐड। जब भी आपको क्या करना रहेगा? ऐड, तो दोनों साइन आपका सेम रहेगा। अगर एक नंबर आपका माइनस है तो दूसरा भी क्या रहेगा? माइनस। अगर एक नंबर आपका प्लस है तो दूसरा भी क्या रहेगा? प्लस। बट यहां पर मुझे ऐड करने पे आंसर आ रहा है क्या? 4 + 3 करने पे 1 आ रहा है क्या? नहीं, माइनस करने पे 1 आ रहा है ना। माइनस जब भी आप करेंगे तो साइन अलग रहेगा, मतलब अगर ये माइनस है तो ये क्या रहेगा? प्लस। अगर ये प्लस रहता तो ये क्या रहता? माइनस। मतलब यहां पर मुझे इनडायरेक्ट क्या करना था? सब्ट्रैक्ट करना था, और सब्ट्रैक्शन में साइन आपका क्या रहता है? डिफरेंट, एक प्लस तो दूसरा माइनस। चलिए, आई होप आपको इतना समझ में आ रहेगा। ये सारा झोल यहीं पर है, जिनको ये साइन समझ में आएगा और उसके लिए आपको ये पार्ट समझ में आना चाहिए। ऐड बोला मतलब अगर मेरे को ये दोनों नंबर को ऐड करने पे सेंटर वाला वैल्यू आ रहा है तो मेरा साइन दोनों सेम रहेगा, अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे सेंटर वाला वैल्यू आ रहा है तो ये वाला साइन यूज करूंगा, मतलब दोनों का साइन डिफरेंट। और यहां पर मुझे 4 - 3 करने पे 1 आ रहा था, इसीलिए मैंने दोनों का साइन क्या रखा है? अलग रखा है। चलिए, अब मुझे क्या करना है? जोड़ी बनानी है, तो इन दोनों की जोड़ी बनेगी और इन दोनों की जोड़ी बनेगी, इन दोनों की जोड़ी बनेगी, तो ये इनकी जोड़ियों को पहले और तोड़ेंगे थोड़ा। देखो, जब आप इसको तोड़ते हो तो 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 into 3 into x लिख सकता हूँ। माइनस 4 को कैसे लिख सकता हूँ? 2 into 2 into x लिख सकता हूँ। फिर प्लस, ये कितना हो जाएगा? 3 into x हो जाएगा। माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इतना वैल्यू आएगा। अच्छा, अब देखिए, ये जो फर्स्ट जोड़ी, इसमें से बाहर क्या आ सकता है? 2 सेम है, x और x सेम है, तो यहां से मेरा 2 बाहर आ गया, x बाहर आ गया। ठीक है, जब मैंने 2 और x बाहर ले लिया तो यहां पर क्या बचा? 3 और x बचेगा, तो 3x लिखा। माइनस, यहां पर क्या बचेगा? सिर्फ 2 बचेगा, तो ये मेरा एक ब्रैकेट हो गया। फिर मैं यहां पर क्या डालने वाला? प्लस। इन दोनों में कुछ सेम है क्या? नहीं। जब भी कुछ सेम नहीं रहता तो क्या बताया था? 1 सेम रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 3x माइनस 2 इज इक्वल टू योर 0। अच्छा, अब इन दोनों में क्या सेम है? 3x माइनस 2 सेम है, तो मैं 3x माइनस 2 एक बार लिखूंगा। अच्छा, यहां से 3x माइनस 2 चला गया तो क्या बचा? 2x, और यहां से 3x माइनस 2 चला गया तो क्या बचा? प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्या करना है? 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये जो माइनस 2 है उस साइड जाएगा तो प्लस 2 होगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा मेरा 3x इज इक्वल टू प्लस 2। देयरफॉर x का वैल्यू कितना आएगा? 2 / 3। सिमिलरली यहां पर सॉल्व करूंगा तो 2x इज इक्वल टू प्लस 1 उस साइड जाएगा तो माइनस 1, एंड x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2। फिर आप लास्ट में क्या लिखेंगे? देयरफॉर
सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, दो वैल्यू है एक 2.3, 2/3 कॉमा -1/2। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ गया, मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा अतरंगी है क्योंकि यहाँ पर रूट वाले वैल्यू, बट डरना नहीं है आपको। क्या करना है, सिंपली फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है। जब मैं फर्स्ट नंबर देखता हूँ तो रूट 2 है और लास्ट नंबर देखता हूँ तो 5√2 है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा, समझो ये 1 है, यहाँ पर 1 रहता है ना, कुछ नहीं, तो 5 × 5 √2 × √2 क्या होता है 2, और 5 × 2 = कितना होता है 10। अब 10 का मुझे फैक्टर अगर निकालना है तो सिर्फ 10 का एक ही फैक्टर है, तो 2 × 5 = 10। और अगर आप सेंटर वाला वैल्यू देखें तो 7 है, तो दोनों को ऐड करने पे आपका क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए ये जो मेरा √2x² इसको ऐसे लिख दूंगा, 7x की जगह मेरा क्या आएगा 2x और 5x आएगा, 2x और 5x आएगा, और प्लस यहाँ का वैल्यू मेरा कितना होगा +5√2 = 0 हो जाएगा। अच्छा इसके बाद क्या, इसके बाद मुझे साइन चेकआउट करना है, यहाँ पर प्लस है, दोनों में बड़ा कौन है ये, तो इसका साइन प्लस रहेगा। अच्छा इसको प्लस करने पे 7 आ रहा है कि माइनस करने पे आ रहा है, प्लस करने पे आ रहा है। और जब भी आपको बोला है कि वैल्यू पे अगर प्लस आपको करना है यानी ऐड करना, तो दोनों का साइन सेम रहता है, साइन सेम मतलब क्या, इसका प्लस है तो ये भी क्या रहेगा, प्लस रहेगा। आई होप आपको समझ में आया। चलिए देखिए अभी क्या करेंगे, इनमें से कॉमन लेना, कॉमन यहाँ पर लेना थोड़ा सा बोलते ना रिस्की हो जाता है क्योंकि चीज़ें समझ में नहीं आती। देखिए इसको मैं √2 × x लिख दूंगा, प्लस यहाँ पर ये 2 है, 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 × √2। चैप्टर नंबर 3 सर्ड्स 9 स्टैंडर्ड का, तो 2 को आप कैसे लिख सकते हो, समझो ये मेरा 2 है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √2 × √2 लिख सकता हूँ, या फिर अगर आपको ऐसे √2 × √2 दिया तो आप इसको 2 लिख सकते हो, 5 दिया तो इसको √5 × √5 लिख सकते हो एज योर नीड। √2 × √2 एक मिनट इसको अच्छे से लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा √2 × x × x प्लस ये कितना है 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ √2 × √2 × x, फिर प्लस ये मेरा कितना है 5 × x है, फिर प्लस ये कितना है 5 × √2 = 0। अब मुझे क्या करना है, सिंपली कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, देखो जो वैल्यू सेम है ये √2 और x सेम है, तो मैंने √2 ले लिया और x बार ले लिया, तो जैसे ही आप √2 और x बार लेते हो यहाँ पर आपका क्या बचता है, x बचता है, और यहाँ पर आपका क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ पर आपका क्या बचेगा +√2 बचेगा। सिमिलरली यहाँ पर आप क्या कॉमन लेंगे, जो आपको सेम दिख रहा है 5 दोनों में सेम दिख रहा है, तो 5 मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर आपको ब्रैकेट में क्या बचेगा x+√2 = 0। अब आपका दोनों में सेम देखोगे तो x+√2 सेम है, तो मैंने क्या किया x+√2 बाहर ले लिया। अच्छा अगर x+√2 बाहर ले लिया तो यहाँ पर क्या बचता है √2x बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा 5 = 0। अब जब मैं इसे सेपरेट आउट करूँगा फर्दर तो ये हो जाएगा x+√2 = 0 एंड √2x+5 = 0। सेपरेट आउट करेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा -√2 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा √2x = -5, देयरफॉर x = -5/√2। फिर लास्ट में आपको स्टेटमेंट क्या लिखना है, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज -√2, -5/√2। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 इजीली समझ में आ गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के साथ स्टार्ट करते हैं। जब आप क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं तो इसमें एक थोड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ पर सेंटर में आपको क्या दिया है, रूट दिया, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है, सारा सम आपका सेम जाने वाला है। फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा, फर्स्ट और लास्ट नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर कितना आता है 6 आता है। जब भी आप ऐसे रूट वाले सम सॉल्व कर रहे हैं तो मेक श्योर ये जो 6 है आप पहले इसको लिखते हैं √6 और √6, ऐसे दो बार लिख दीजिए √6 और √6। लिखने के बाद फिर आपको सिर्फ एक ही चीज़, देखो ये √6 तो आपको मिल गया, आपको अब सिर्फ ये 2 को बैलेंस करना है। 2 को बैलेंस करने के लिए या तो यहाँ पर मैं 1+1 लिख सकता हूँ, या तो मैं क्या लिख सकता हूँ 3-1। अच्छा अगर मैं 1 और 1 लिखता हूँ एक टर्म, और एक दूसरा टर्म लेता हूँ √6 × √6, यहाँ पर लिखता हूँ 3 और यहाँ पर लिखता हूँ 1, 1+1 मेरे को 2 तो दे देगा, तो ये मेरा हो गया 2√6 हो ही जाएगा। उसके बाद जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या मिलेगा 1 × 1 × 6 = 6, जो मेरा कि इसके इक्वल जा रहा है। बट जब मैं इसको चेकआउट करता हूँ तो 3-1 मुझे 2√6 दे देगा, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा वैल्यू 12 चला जाएगा। 12 कैसे जाएगा, देखो 3 − 3 = 3 हो जाएगा और √6 × √6 = 18 हो जाएगा, और 18 जो कि 6 के इक्वल नहीं है, तो ये जो मेरा फैक्टर रहेगा ये मेरा फैक्टर किसी काम का नहीं है, तो अभी मैं ये फैक्टर को कंसिडर नहीं करूंगा। तो जो मेरा फैक्टर रहेगा वो मेरा फैक्टर क्या रहेगा 1√6 × 1√6। तो मेरा जो फर्स्ट नंबर रहेगा वो मेरा क्या रहेगा, देखो 3x² रहेगा, यहाँ पर मैं क्या लिखने वाला हूँ 1√6 और 1√6 1√6x 1√6x, और यहाँ पर मेरा जो वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा प्लस
टू इज इक्वल टू जीरो। अब मुझे क्या देना है, साइन देना है इन इन दोनों के लिए, साइन चेकआउट करना, तो यहाँ का साइन चेकआउट करते, दोनों बड़ा तो है नहीं कोई, दोनों का वैल्यू सेम है, तो यहाँ पर जो माइनस है वो मैं किसी एक को दे दूँ। अभी मुझे क्या करना है, वन प्लस वन करके मुझे टू मिलने वाला है, ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट, ऐड करना है, एडिंग के लिए दोनों का साइन सेम रहता है, तो अगर इसका साइन माइनस है तो इसका साइन भी क्या रहेगा आपका, माइनस रहेगा। अब आपको सिंपली क्या करना है, कॉमन लेना है। कॉमन लेने के लिए देखिए मैं इसको कैसे लिखूंगा, रूट थ्री, थ्री को लिखूंगा रूट थ्री इंटू रूट थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को भी ऐसे लिख देता हूँ एक्स इंटू एक्स, फिर माइनस ये जो वन है वन ऐसे ही रहेगा, रूट सिक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ रूट थ्री इंटू रूट टू इंटू एक्स, और सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा माइनस वन, ये रूट सिक्स है तो रूट सिक्स को ऐसे लिख सकता हूँ रूट थ्री इंटू रूट टू इंटू एक्स इंटू एक्स, फिर प्लस है टू को कैसे लिख सकता हूँ रूट टू इंटू रूट टू इज इक्वल टू जीरो। अब मेरे को क्या करना है, बाहर लेना है, बाहर लेने के लिए मैं इनमें से कॉमन लूंगा और इनमें से कॉमन लूंगा, जब मैं इसमें से कॉमन ले रहा हूँ तो रूट थ्री एक्स बाहर आएगा, तो यहाँ पर मेरा क्या बचेगा रूट थ्री बचेगा और एक्स बचेगा, फिर माइनस यहाँ से मेरा रूट थ्री और एक्स चला गया बाहर, यहाँ पर रूट थ्री और एक्स तो बचा ही, यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा रूट टू बचेगा माइनस, इसमें से मेरा क्या कॉमन आएगा रूट टू सिर्फ कॉमन आएगा, तो रूट टू मैंने बाहर ले लिया, रूट टू बाहर ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा रूट थ्री एक्स बचेगा, माइनस भी मैंने बाहर लिया ना तो अंदर का साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा रूट टू इज इक्वल टू जीरो। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये दो ब्रैकेट सेम है, ये दो ब्रैकेट सेम है तो ये कितना हो जाएगा रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू इज इक्वल टू जीरो, और ये यहां से ये ब्रैकेट को छुपाऊंगा तो ये क्या बचता है मेरा, सॉरी ये एक टर्म, ये एक ब्रैकेट बनेगा, और यहाँ पर कौन सा ब्रैकेट आपका बनेगा रूट थ्री एक्स, यहाँ से ये ब्रैकेट को छुपाओगे तो क्या बनता है माइनस रूट टू इज इक्वल टू सारे वैल्यूज किसके इक्वल है जीरो के इक्वल। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू इज इक्वल टू जीरो और रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू इक्वल टू जीरो, दोनों वैल्यू सेम ही जा रही है तो ये कितना हो जाएगा रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस रूट टू साइड जाएगा तो प्लस रूट टू, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा रूट टू डिवाइडेड बाई रूट थ्री नीचे आ जाएगा तो ये हो गया मेरा रूट थ्री। सिमिलरली जब इसको सॉल्व करूंगा रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस रूट टू सेट जाएगा तो प्लस रूट टू, और ये एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा रूट टू डिवाइडेड बाय रूट थ्री। देयरफॉर फिर आप लास्ट में क्या लिखने वाले हो, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज, दोनों वैल्यू सेम ही है तो आप लेकिन फिर भी कितनी बार लिखोगे रूट टू अपॉन रूट थ्री कॉमा रूट टू अपॉन रूट थ्री, दो बार क्यों लिखना है सर एक ही आंसर फिर भी दो बार, बाय बिकॉज एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रूट्स, इसीलिए आपको इसको दो बार लिखना है। आई होप आपको यहाँ तक के सारे क्वेश्चन समझ में आए, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी के कंटिन्यूएशन के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।